नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। ये ब्रेकआउट देने जा रहा है शेयर, इस शेयर में आपको काफी तेजी देखने मिला है और कल अगर ब्रेकआउट देता है तो और आपको जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी प्राइस रेंज पे आके क्लोज हुआ है जो पहले का इसका ऑल टाइम हाई है। इसका जो ऑल टाइम हाई है 5615 रुपये, उसी प्राइस पे आके क्लोज हुआ। कल इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको पोजीशन बनाना है, स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे रखना है। ये जो कैंडल का लो है 5327, इसके जस्ट लो रखना है। अगर कल आपको ये प्रॉफिट में क्लोजिंग देता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो बस आप एग्जिट हो जाइए कल। जितना स्टॉप लॉस आपको लेना है कल के दिन में, अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर बने रहिए। ये दोस्तों ये सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो जैसे आप बाय करेंगे कल इंट्राडे में, कल ही देखना है प्रॉफिट में क्लोज होता है तो बस उसको कैरी करना है, क्योंकि यहाँ से जब रैली पकड़ेगा तो एक जबरदस्त रैली पकड़ेगा। और अगर यहाँ से कंसोलिडेट करना शुरू करता है तो हो सकता है यहाँ एक लंबा वक्त भी लगा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का नेचर ऐसा ही है। देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पिछला हाई था, यहाँ पे आया ये स्टॉक और फिर यहाँ से कंसोलिडेट करने लगा, तो इस स्टॉक का नेचर ऐसा ही है। पिछले और रिकॉर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पर ये इसका ये हाई था, इस हाई के आसपास आया, यहाँ पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा। तो कल इंट्राडे में ही देखना, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है आप लेते हैं और ऊपर चलता ही रह जाता है तो फिर उसको कैरी करना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है एफएल इंडिया का, इसका फंडामेंटल भी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। ये स्टॉक लगभग हम यहीं से रिकमेंड कर रहे हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग ये 2000 रुपये का स्टॉक था। 2000 रुपये से जब ये स्टॉक मूव करना शुरू किया तब जबरदस्त मोमेंटम दिखाता है, फिर आ करके यहाँ 3000 आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये 4000 आया और फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ पर ये मोमेंटम करने के बाद कंसोलिडेट हुआ है। अब यहाँ से मोमेंटम करता है आगे या यहाँ पर कंसोलिडेट करता है ये देखना होगा आपको। तो यहाँ पर कल अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो समझ जाइए ये स्टॉक यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट कल दे चुका है और यहाँ पर आपको ट्रेड लेने के लिए छोड़ना नहीं है, ट्रेड जरूर लेना है। अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करता है कल ही आपको लेना है और कल इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप जितना हो अपने मतलब रिस्क के हिसाब से, अपना आपका रिस्क क्या है उसके हिसाब से पोजीशन लेना है, साइज भी उसी के हिसाब से लेना है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से उतना लीजिएगा, फिर इसको कैरी कीजिएगा। इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि फंडामेंटल जिस कंपनी के अच्छे हैं उस कंपनी में आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। जब कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे तो वो ब्रेकआउट दे रहा हो या कुछ भी दे रहा हो, आपको जो है अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। तो ये कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है और इसका अभी मार्केट कैप देख लीजिएगा 14000 करोड़ का है, करेंट प्राइस इसका 5618 रुपीज़ है और इसका देखिए 52 वीक लो तो मात्र 899 रुपये में स्टॉक मिल रहा था, तो कितना ज़बरदस्त है। कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 63.8% है इसमें और कंपनी का जो प्रॉफिट है एनुअल प्रॉफिट देखते हैं 91 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है। इतना कम प्रॉफिट होने के बावजूद ही कंपनी का जो आप देख सकते हैं शेयर प्राइस काफ़ी मतलब हाई पे चल रहा है, उसका कारण है कंपनी का बिजनेस। कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग बिजनेस है और कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा है। कंपनी के ऊपर डेट है 101 करोड़ का, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 40 करोड़ और जो रिजर्व है कंपनी के पास 246 करोड़ का। तो कंपनी का सारा परफॉर्मेंस देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें कंपनी का सेल्स देख लीजिए 167 करोड़ का था, लगातार बढ़ते गया और कंपनी का अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसका सेल्स है 455 करोड़ का। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़ का था 2018 में और कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते गया, अभी 92 करोड़ का हो चुका है। तो लगातार ग्रोइंग मोड में है कंपनी, तो जब कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसका स्टॉक भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, जो कि स्टॉक में आपको दिख रहा है कि 2000 रुपये का स्टॉक जो अभी लगभग 6000 पहुंचने वाला है, 5600 हो चुका है। अगर यहां से ब्रेकआउट देता है तो 6000 इजीली पहुंच जाएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें प्रमोटर्स का होल्डिंग यहां पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ हो सकता है प्रमोटर्स अपना कुछ प्रॉफिट बुक किया हो। वहीं पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इसमें 12.86% है, पब्लिक का होल्डिंग भी थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। इसमें FIs का होल्डिंग जो है वो बढ़ा है, तो जैसे FIs का होल्डिंग बढ़ा है तो देख सकते हैं कि शेयर रॉकेट क्यों बना,
सिर के रॉकेट बनने के पीछे के वजह क्या है, एफ आई आई जो है इसमें लगातार बाइंग कर रहा है, जिसके कारण स्टॉक में जबरदस्त तेजी आपको देखने मिला है। वही कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी के बिजनेस काफी बेहतरीन है। आप इस कंपनी के वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को देख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, पब्लिशर का काम करती है, ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस है और ऑनलाइन टू ऑफलाइन कॉमर्स, इससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग होगा वो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस का ये काम करती है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो मॉडर्न बिजनेस है। मुख्य कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्राइवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल पर जो आपका एड आता है उस एड को पब्लिश करती है कंपनी। ग्रोथ आप इसका देखते हैं, कंपनी आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन साथ साथ ये याद रखिएगा काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। अगर कोई दूसरी कंपनी इसे कॉम्पिटिशन देती है तो हो सकता है बिजनेस काफ़ी प्रभावित हो। तो दोनों तरह की बातें हैं, बिजनेस काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी अच्छी है। अगर कंपटीटिव बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, अगर कोई भी कंपनी इसको बीट करती है तो फिर इस स्टॉक में आपको जितना आपको ग्रोथ दिख रहा है उसके बदले गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के बिजनेस कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना कठिन है उस बिजनेस को करना। तो ये बिजनेस भी काफ़ी कठिन बिजनेस में से एक है। तो ये दोस्तों था ओवरऑल, कोई भी शेयर ब्रेकआउट देता है तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा, और हम आपको डेली जो है यहाँ पर वीडियो लाते रहेंगे उन सारे वीडियोज को जो कि ब्रेकआउट देने वाला है शेयर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी लेते आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।